मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। परमजी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। परमजी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। लिखणवारे जी न भुलया इंसान आ। लिखणवारे जी न भुला भुलल ही इंसान आ। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। कर्म कहना भी करे जीव मानुष जून में। कर्म कहरा भी करे को जीव मानुष जून में। लेख तह मुजब लिखे तो लिखण हार सुजान आ। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। जतन कहरा करे को कर्म तारण वास्ते। जतन कहना भी करे को कर्म तारण वास्ते। पर बिना भोगे तरे ना कर्म अति बलवान आ। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। कोटलो है जाल की भगवान आ। कहे टेऊ जय मथा को संत कृपा थो करे। कहे टेऊ जय मथा को संत कृपा थो करे। ते कंडो सूर्य मत लय वचन ही परमान आ। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। राग तिलंग भजन 46। कर्म जी रेखा मिटे ना जाल की भगवान आ। लिखण वारे जी न भुलका भुलल ही इंसान आ। ठीक है, कर्म का महत्व इस भजन में गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है विधाता ने लेख लिख दिया है वो कभी भी तलने वाला नहीं। तुलसी रेखा कर्म की मेट सके नहीं राम। मेटे तो समर्थ है पर समझ कियो है काम। परमात्मा भी उसको मेटने में समर्थ नहीं, साधारण रूप से ऐसे कहा जाता है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो लेख लिखा हुआ है वो मिटता नहीं और इंसान
का कर्म पुराना वही आज उसका भविष्य बना है। परमात्मा का कोई दोष नहीं। किसी के जीवन में अगर दुख है तो उसके स्वयं के कर्मों का फल है। कर्म कैड़ा भी करे को जीव मानुष जून में लेख तह मुजब लिखे तो लिखण हार सुजान हा। जो लिखने वाला है वो बहुत ही बुद्धिमान है। पुराने कर्मों को देख के वो इंसान का भाग्य लिखता है। जतन कैड़ा भी करे को कर्म तारण वास्ते पर बिना भोगे टरे ना कर्म अत बलवान आ। प्राणी मनुष्य कितनी भी कोशिश करता है कि मेरा लिखा हुआ मिट जाए, लेकिन वो मिट नहीं सकता। भोगे बिन यह भागत नाही कहते वेद पुराना है। गुरुवार जी ने वाणी में लिखा है कि बिना भोगे के भोग के वो कर्म समाप्त नहीं होते। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म बहुत बलवान है। कोट लोहे मेल के ऐ अर्श पाताल में कम भोगण बिन छुटे ना वेद जो वख्यान आ। भले ही किलों में लोहे के दरवाजे वाले किलों में जाकर के छुप जाए, आसमान में पाताल में छुप जाए, लेकिन जो कर्म का फल है वो उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये वेद की वाणी है। कहे टेऊ जय मथा को संत कृपा थो करे थे कंडो सूर्य मात लय वचन ही परमाना। लेकिन अगर संत गुरुदेव कृपा कर दें, रज्जब गुर प्रसाद ते मिट गया अंग ललाट का, उनके अंदर वो शक्ति है कि वो उस दुख के कर्म को मेट सकते हैं जिज्ञासु के, लेकिन उनकी जब कृपा हो जाए तो सूली में से कांटा हो जाता है। ऐसी उनकी कृपा बलवती है। गुरु महाराज जी ने इस भजन में कर्म की महिमा का बखान किया। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार
जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।